ধর্মতলায় একুশে জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকে একজোট হওয়ার বার্তা দিলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের পর এবং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণের মাঝে মঞ্চে বক্তব্য রাখতে ওঠেন অখিলেশ যাদব। মিনিট ১৫র এই বক্তৃতায় বিজেপিকে কটাক্ষ করে সপা প্রধান বলেন, কেন্দ্রে এই সরকার বেশিদিন থাকবে না, চলে যাবে, আর সেই লড়াইয়ে আমি আপনাদের পাশে থাকব। आप लोगों ने मिलकर के यहां मुकाबला किया, बीजेपी को हटा दिया, पीछे छोड़ दिया, यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोग जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लोगों का भला ना कभी इनका मकसद रहा है। अखिलेश आरो बोलें, आमरा नेतिबाचक राजनीति करी ना, इतिबाचक राजनीति करी। हम और आप लोग मिलकर के निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम और आप लोग मिलकर के पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। और पॉजिटिव पॉलिटिक्स का वक्त आने वाला है, और वही वक्त आएगा जब लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। हम सब लोग मिलकर के देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, भाईचारों को बचाने के लिए हम सबको एक होना है और एकजुट रह करके इनका मुकाबला करना है। इसलिए आज यहां आए हर समर्पित कार्यकर्ता से मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि आपका नेता, आपकी नेता बहुत बड़ी नेता है। এদিন অখিলেশ আরো বলেন, দিল্লিতে যারা রয়েছেন তারা মানুষের ভালো চান না, এরা অন্যের প্রাণ নেন কিন্তু প্রাণ দেন না, অন্য দলের থেকে শহীদ ধার নেন, অন্যদের মহাপুরুষকে নিজেদের বলে দাবি করেন। এদের গুরুদেব বা নেতাজি নেই, মহাপুরুষ হতে গেলে মানবিক হতে হয়, কিন্তু বিজেপি তো মানবিক দল নয়। দিল্লিতে যারা রয়েছেন তারা ষড়যন্ত্র করছে, আপনারা দিদির পাশে থাকলে দিদি সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতে পারবেন। অখিলেশের এই মন্তব্য জাতীয় রাজনীতিতে আলোড়ন ফেলবে তা বলাই বাহুল্য। ব্যুরো রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।